सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्रैच एजुकेशन न्यूज़ में। अच्छा, हमने जो है पिछली वीडियोस में थोड़ा सा पेपर पैटर्न से रिलेटेड बात किया था कि 2022 को कौन सा पेपर पैटर्न फॉलो होगा और किस तरीके से आपका पेपर आएगा। और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर जो है वो वीडियोज़ का लिंक शो होगा, आप वो जाकर देख सकते हो। आज जो है ये वीडियो बनाने का मकसद है कि हम कम्प्लीट जो है कराची बोर्ड का जो है पेपर पैटर्न को समझेंगे कि भाई पेपर्स में एमसीक्यूज कितने फॉलो होंगे, किस तरीके से आएगा, ठीक है, कैसे हम जो है इसको प्रिपेयर हो सकते हैं, तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आज जो है मैं इस वीडियो में तीन ग्रुप्स वालों को फॉलो करूंगा, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस को। ठीक है, कॉमर्स और आर्ट्स वाले जो है उनका पेपर पैटर्न जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करूंगा। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है केमिस्ट्री पार्ट टू का जो है पेपर है। अच्छा, एक चीज लाजमी अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि ये पेपर पैटर्न जो है ये सिर्फ 2022 में फॉलो होगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये अब हमेशा यही पैटर्न फॉलो होंगे। नहीं, ये सिर्फ 2022 में फॉलो होगा, क्योंकि 2022 में आपने बेसिकली जो अपने कॉलेजेस जाना स्टार्ट करा वो काफी लेट स्टार्ट करा ड्यू टू कोविड। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं उनके साथ भी हुआ कि उनके एडमिशन्स काफी लेट हुए हैं, तो वो अपनी प्रिपरेशन नहीं कर सके। तो इस वजह से जो है इन्होंने आपकी जो एमसीक्यूज की क्वालिटी है वो क्वालिटी और क्वांटिटीज जो है वो आपकी 40% रख दी है एमसीक्यूज की। ठीक है, तो आप बस ये याद रखिएगा कि आपने अपने एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, अब क्या है, देखो यार, केमिस्ट्री पार्ट टू का है ये पेपर। इसके अंदर एमसीक्यूज जो आपके आएंगे वो 33 मार्क्स के आएंगे, और 33 मार्क्स काफी ज्यादा मायने रखता है। 16 मार्क्स का इनऑर्गेनिक, 17 मार्क्स का ऑर्गेनिक, हर एमसीक्यूज चाहे वो कोई सब्जेक्ट का भी होगा वो 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद जो है एमसीक्यूज की तैयारी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं किधर से करें, मैं बता देता हूँ। एमसीक्यूज की तैयारी करने के लिए आप सबसे पहले जो है अपने बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ें, या फिर नोट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको पढ़ें। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक है, सीपीसीवी है, सही है, कार्नट इंजन है, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए, शॉर्ट शॉर्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको पढ़ें। तो आपके जो है और क्या बोलते हैं डेरिवेशंस को देखें थोड़ा सा, ठीक है, डेरिवेशंस के होते हैं। तो इन सबसे जाकर जो है ये एमसीक्यूज आपके बनते हैं। सबसे पहले आप अपने नोट्स अपने जो है टॉपिक से रिलेटेड को कवर करें, उसके बाद आप टेनर्स को कवर करें, इंशाल्लाह एमसीक्यूज का पार्ट जो है आपका कवर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है सेक्शन बी में आप आ जाते हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये आपका तकरीबन जो है आपका 7 क्वेश्चंस आएंगे, आपने 4 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चंस आपके आएंगे, 4 क्वेश्चंस आपने करने हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है आपका। ठीक है, पार्ट आएंगे इनऑर्गेनिक का, जैसे 7 क्वेश्चन आ गया, ऑर्गेनिक में भी 7 क्वेश्चन आ जाएंगे। अच्छा, इनऑर्गेनिक को कवर करना बहुत आसान है, बट ऑर्गेनिक को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि ऑर्गेनिक पहले स्टार्ट करें, क्योंकि ऑर्गेनिक के थोड़े से जो ट्रिकी होते हैं, सही है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। टोटल जो सेक्शन बी होगा वो आपका 32 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में आपके पास फिर वही पार्ट करके आ जाता है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, 2 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। एक करना होगा आपने, 2 किस तरीके से कि भाई 1A और 1B, ये आपका पूरा जो है एक क्वेश्चन के लाएगा, 2A 2B, ये आपका पूरा एक क्वेश्चन के लाएगा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो टोटल जो है वो 10 मार्क्स होंगे, 1A 5 मार्क्स का 1B 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स टोटल होंगे। एक आपने पार्ट करना है, और बेसिकली इसके अंदर क्या है कि आप जो है एक क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पेपर में 1A आता है और 2A आता है, तो आपका ये मिलाकर 2 क्वेश्चन हो गया। ऐसे नहीं करना, जो फर्स्ट का पार्ट कर रहे हो सेकंड भी आपने वही करना है, और टोटल 10 मार्क्स का होगा इनऑर्गेनिक, सही है। और इसके अंदर अगर कुछ इंपॉर्टेंट आप अगर मुझसे पूछा जाए, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट तो वैसे है, बट आप अगर इसमें तैयारी कार्नोट देख लें, ठीक है, गैल्वेनोमीटर्स देख लें, और भी बहुत सारे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है डिस्कस करूंगा। बाकी यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी आपने वैसे ही करने हैं ऑर्गेनिक के अंदर, कि भाई 2 क्वेश्चंस आपके पास पार्ट्स में गिवन होंगे, और इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स होगा। और ऑर्गेनिक के अंदर आप बेसिकली चैप्टर नंबर जो 10 और 11 है वो इतना ज्यादा मतलब के डेफिनेशन में पूछे जाते हैं, बेंजीन के रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसको अच्छे तरीके कवर किएगा, और अपना इथेन मिथेन वाले जो टॉपिक है, अल्काइन, ये सब उनको काफी अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9, इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, सही है। अगर मैं अब आ जाता हूँ अपने दूसरे इस पे मैथ्स के ऊपर, तो मैथ्स के अगर दोनों बात करें हम, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मैथ्स का पेपर, तो भाई वही चीज़ है, 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज आएगा, जिसमें से आप बुक्स के जो है स्टार्टिंग टॉपिक जो है उसको कवर कर सकते हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं आप उनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज आएगा, और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो भी आपके 40 मार्क्स के आएंगे, जो कि आपके पास टोटल जो है 14 क्वेश्चन होंगे, आपने 10 करने होंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर का पेपर हो चाहे वो सेकंड ईयर का पेपर हो, दोनों में ऐसे ही आएगा, 15 क्वेश्चन होंगे, 10 करने होंगे। बाकी पेपर में जिस तरीके से आपके पार्ट्स बने हुए आते थे वैसे ही पार्ट्स बने हुए पेपर आएगा, एक साथ सारे क्वेश्चन नहीं लिखे हुए होंगे, पार्ट्स बना हुआ आएगा, उसमें आपने 15 क्वेश्चन करने, 15 क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे, 10 करने हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा आपका। और इसी तरीके से डिटेल में भी आपके पास होगा कि भाई 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे, ठीक है, पेपर्स में, और आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं बॉटनी के पेपर से रिलेटेड। तो बॉटनी का जो पेपर है वो थोड़ा सा मतलब कि आसान है, ठीक है, आसान से मुराद ये कि बेसिकली सेकंड ईयर का बॉटनी है, और इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास एमसीक्यूज की जो क्वालिटी होगी वो 40% ही होगी, एमसीक्यूज की बेसिकली जो आपके पास क्वांटिटी होगी वो 40% ही होगी, जिसके 16 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज होगा, सही है, 16 मार्क्स का एमसीक्यूज होगा। और उसके बाद जो है
आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो भी 40 मार्क्स के होंगे, मतलब 40% आपका जो है वो आपका कवर करेगा। इसके अंदर 8 क्वेश्चंस आपको जो है टोटल, आपके पास जो 10 क्वेश्चंस होंगे आपने 8 करने हैं और ये टोटल 16 मार्क्स का होगा, मतलब के 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप 8 करोगे, ठीक है। पेपर इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। सेक्शन सी में अगर आप आते हो तो आपके पास जो है एक क्वेश्चन आपने करना है और वो डायग्राम का क्वेश्चन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है एक क्वेश्चन किस तरीके से होगा, आपके पास बेसिकली 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। वो ए और बी पार्ट के इस तरीके से आपको दिए जाएंगे कि भाई ए और बी पार्ट होगा, दोनों आपने कवर करना है और एक आपका एक पार्ट जो है वो 4 नंबर का होगा, ठीक है। जैसे कि भाई ए जो है वो 4 नंबर का होगा, बी 4 नंबर का होगा, टोटल 8 मार्क्स का हो जाएगा, सही है। पार्ट वाइज आपको गिवन होगा 1, 2, 3 करके, उसमें ए बी 1 का ए बी पार्ट होगा, 2 का ए बी पार्ट होगा, 3 का ए बी पार्ट होगा, तो 8 नंबर्स के होंगे। जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा आपको एक करना है बस पार्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं जोलॉजी के ऊपर। जोलॉजी का क्या है, वही आपका 40% कवर हो रहा है, जोलॉजी फर्स्ट ईयर वालों का है ये, वही 40% एमसीक्यूज कवर्ड हो रहा है, 16 मार्क्स का होगा, सही है। और बेसिकली ये आपके जो है एमसीक्यूज बुक से रिलेटेड आएंगे, तो काफी ज्यादा जो है उसको अच्छे से पढ़ना, बुक्स को कवर करो और अपने टेनर्स को कवर करो, पिछले साल वाले पेपर्स को कवर करो, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी 40% जो है आपके पास सेक्शन बी आएगा, जिसके अंदर आपके पास इसके अंदर रीजनिंग एंड नॉन रीजनिंग होते हैं, ठीक है। तो आपके पास टोटल जो है 6 मतलब के रीजनिंग आएंगे, 6 रीजनिंग, 6 नॉन रीजनिंग। ये काफी डिफिकल्ट हो सकता है फर्स्ट ईयर जोलॉजी वालों के लिए, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसे होता है, रीजनिंग नॉन रीजनिंग के कुछ भी आ जाता है पेपर में, आपको कुछ पता नहीं होता कि भाई पेपर्स में ये रीजन आने वाला है, ये नॉन रीजनिंग आने वाला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि क्वालिटी ऑफ चॉइसेस जो है ना वो बहुत कम है। तो आपके पास 6 मतलब के रीजनिंग होंगे, 6 नॉन रीजनिंग होंगे, 4 आपने करने हैं, सही है। तो मैं ज्यादा बच्चों को यही प्रेफर करूंगा कि रीजनिंग नॉन रीजनिंग पर फर्स्ट ईयर जोलॉजी वाले जोर दें, डिफिकल्ट हो जाता है पेपर में अटैम्प्ट करना। उसके बाद यार डिस्क्रिप्टिव में वही चीजें हैं जो आपको मैंने पहले डिस्कस करी थी सेकंड ईयर की वाटनी के ऊपर, कि भाई आपके पास पार्ट वाइज आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ए बी 2 ए बी इस तरीके से आएगा, आपने एक पार्ट करना है जो कि एक सिर्फ 1 ए वाला जो जैसे कि क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बॉटनी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड बात करते हैं, तो ये बेसिकली इसके अंदर भी वही है कि आपका 18 जो है एमसीक्यूज होंगे 18 मार्क्स के, मतलब कि एक एमसीक्यूज आपका एक मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी आ गया आपके पास, टोटल जो आपके पास जो होंगे वो आपके पास आपको 10 क्वेश्चन बेसिकली जो आपको टोटल जो है 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सही है। आपने टोटल जो है 10 क्वेश्चंस जो है फ्रॉम द वेरी शॉर्ट, उसमें आपने अटेम्प्ट करना है और 4 जो है आपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें 10 अटेम्प्ट करना है टोटल, और फिर आपने जो है 4 फ्रॉम शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जिसमें आपको टोटल जो है फॉर एग्जांपल देख लो यार कि 12 आपको दिए जाएंगे, सही है। 2 पार्ट में आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपने जो है सबसे पहले हर पार्ट में आपके पास 6 होंगे, सही है। 6 होंगे हर पार्ट में आपके पास 6 होंगे। आपने क्या करना है, आपने 4 मतलब के जो है अटेम्प्ट करना और 2 कहीं से भी अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट टोटल 10 ही क्वेश्चंस करने, सही है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पे आ जाओ, तो डिस्क्रिप्टिव वैसे ही होगा जैसे मैंने पहले बात करी थी कि भाई पार्ट वाइज होगा, ठीक है। ये टोटल जो है मतलब कि आपके पास डायग्राम्स भी हो सकती हैं इसमें बनाने के, तो आपके पास ए और बी पार्ट होगा और ए और बी पार्ट मतलब 5 मार्क्स का हो रहा है, जैसे कि भाई ये ए पार्ट है, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ये बेसिकली मेरे पास ये ए पार्ट है, सही है। तो ए पार्ट जो मेरे पास होगा वो मेरे पास होगा 5 मार्क्स का, ठीक है, और बी पार्ट जो मेरा होगा वो मेरा 4 मार्क्स का होगा। इस तरीके से पहले थोड़ा डिफरेंट था, अब यहाँ पे ये चीज डिस्कस करके भाई ए जो होगा वो मेरा 5 मार्क्स का होगा, बी जो होगा मेरा 4 मार्क्स का होगा। इसी तरीके से ए बी करके जैसे कि 1A ये आ गया पेपर में आपके पास, 1B आ गया, फिर आपके पास 2A आ गया, 2B आ गया, इस तरीके से आपके पास आएगा। जैसे मुझे ये 2 क्वेश्चन आते हैं, मैं दोनों अटेम्प्ट करूंगा, ए मेरा 5 मार्क्स का होगा, ये मेरा 4 मार्क्स का होगा, इस तरीके से आपका जो है होगा, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। इंग्लिश बेसिकली जो है ये सबके लिए है, हाँ। मैं आप चाहो तो कॉमर्स वाले इंग्लिश का पोर्शन यहाँ से भी देख सकते हो, फिर मैं एक और वीडियोस बना दूंगा आर्ट और कॉमर्स वालों के लिए, उनके पेपर डिस्कस करूंगा तो वहां पे भी वो देख सकते हैं, वरना ये इंग्लिश नॉर्मल हर के लिए है। इसके अंदर बेसिकली यही है कि भाई आपको 40 एमसीक्यूज दिए जाएंगे और आपने अटेम्प्ट भी 40 ही करने हैं, एक एमसीक्यूज एक मार्क्स का होगा, टोटल 40 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज हैं। उसके बाद जो है आपके पास 15 शॉर्ट्स गिवन होंगे, जिसमें से आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन जो है आपके पास 4 मार्क्स के होंगे, और जिस तरीके से आपके पैटर्न्स आता था पैटर्न वैसे ही फॉलो होगा कि ग्रामर दी जाएगी, ग्रामर के पार्ट दिए जाएंगे, पोएट्री, फिर उसके बाद जो है प्रोज, इस तरीके से जो आपको दिया जाता था वैसे ही होगा। बस क्वेश्चन जो है वो आपके पास इस तरीके से फॉलो होंगे कि 15 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है, 10 आपने करने हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का। इंग्लिश का पेपर ऑलमोस्ट वैसे ही है, कोई चेंजिंग तो अभी शॉर्ट में से दिखी नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हैं, 3 आपके पास होंगे, आपने जो है बेसिकली 2 करने हैं, जैसे पहले पेपर में आता था वैसे ही आपने करना है। ईच क्वेश्चन जो है वो आपका 10 मार्क्स का है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। पहले भी 3 ही क्वेश्चन आते थे, आपने 2 करने होते थे, अब भी 3 ही क्वेश्चन आएंगे, आपने 2 करने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है उर्दू का जो है बेसिकली यहाँ पे पार्ट 2 का जो है
हम थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई आपके पास जो है पांच अशार दी गए होंगे, आपने दो अशार करने हैं, उर्दू का भी वही सेम है, पांच करने होते दो करते थे आप, दो सही है। उसके बाद आपके पास सही है, आपको मतलब कि इसके अंदर वो बताना है, तारुफ बताना है या फिर आपको सबक का नाम तारुफ मुसन्निफ के हवाले से बताना होता है, सही है। दो आते हैं आपके पास, एक करने होते हैं, वही सारी चीज है, जैसे चैप्टर जो आपके बुक्स में होते हैं उसी से ही ये आते हैं। एतबाज़ बेसिकली जो कहते हैं आप, जिसको एतबाज़ कहते हो, वो यही चीज़ें हैं कि जिसमें आपको प्रॉपरली कि भाई ये किस सबक से लिया गया है, इसके मुसन्निफ का नाम क्या है, और इसके हवाले से आप थोड़ा सा इन अ शॉर्ट वे में बताते हो कि भाई वो इस दिन पैदा हुए ऐसे कर, फिर उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन करते हो टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन, आपको एक बंद की तशरीह करनी होती है, ठीक है। आपको पता होगा कि एक बंद आपको दिया जा रहा है, सही है, उसकी तशरीह कर लो या फिर आप मरकजी ख्याल कर लो। ज़्यादा बच्चे मरकजी ख्याल ही फॉलो करते हैं, तो मरकजी ख्याल यही आपके पास दो या तीन आएंगे, आपने एक करना है, सही है। उसके बाद जो है आपके पास, आप यहाँ पर ड्रामा निकाली, क्योंकि सेकंड ईयर में जो होता है वो ड्रामा निकाली और अफसानों के ऊपर होता है, हाँ 50-50 होता है, बहुत सारे बच्चे अफसाने और ड्रामों को फोकस करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है अपने क्वेश्चन आंसर्स भी, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर्स पे अटैम्प्ट करेंगे, बट ज़्यादातर बच्चे अफसानों पर करते हैं, तो अफसाने कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो तफसील के ऊपर आ जाओ, तफसीली में आपके पास वही होगा कि भाई दो शायर होंगे और दो नसर निगार के वैसे, जिसमें से आपने मतलब कि एक शायर या फिर या नसर निगार के खुसूसियात तहरीर करनी है। थोड़ा सा ये पहले तीन आते थे, अब सिर्फ दो शायर और दो नसर निगार होंगे, सही है। ट्वेल्व में आपको एक करना होगा और या फिर आपके पास कोई मजमून दे देंगे आपको, उस मजमून में से कोई एक मजमून आपने करना होगा। ज़्यादातर बच्चे जो है वो अटैम्प्ट करते हैं मजमून, अगर उनको मजमून आता है, क्योंकि वजह यह है जिनकी ज़्यादातर स्टूडेंट ये होते हैं क्योंकि उनको ना ये नसर निगार और जो अपने क्या बोलते हैं शायर जो होते हैं उनके रिलेटेड याद नहीं हो पाता, तो वो बेसिकली मजमून को प्रेफर करते हैं कि भाई कुछ भी उर्दू में जो लिख कर आ जाते हैं वो, ठीक है। मगर मैं आपको कहूँगा कि आप इसकी तैयारी करो अच्छे से नसर निगार और शायर की, क्योंकि मजमून में ज़्यादातर बच्चों की उर्दू जो है वो सही नहीं होती, तो मजमून में जो है ना मार्क्स बहुत ज़्यादा कटते हैं, तो इसकी ज़्यादा अच्छे से तैयारी करो। तो ये टोटल पैटर्न था कि 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, सही है, और फिर उसके बाद ये टोटल आपका 40 मार्क्स का है, मुख्तसर 40 मार्क्स का है, एमसीक्यू 40 मार्क्स का, 20 मार्क्स, ठीक है। पैटर्न पूरा वैसे ही है, कोई चेंजिंग नहीं है उर्दू के अंदर, पैटर्न वैसे ही है जो आपके बेसिकली जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसकी, जो मैंने जैसे कि आपका इंग्लिश सेकंड ईयर का बताया, सही है, सेकंड ईयर और सही है इंग्लिश फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैंने आपको बताया, और बेसिकली यहाँ पे जो मैंने आपको उर्दू का बताया सेकंड ईयर वालों का, इसके पैटर्न सेम ही है, कंपलसरी का जो है अभी तक पैटर्न सेम ही है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स पार्ट वन और पार्ट टू की, जिसमें से वही 33 मार्क्स का होगा, सही है। 33 आपके एक नंबर के जो है बेसिकली एक एमसीक्यूज होंगे, 12 क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इन्होंने गिवन जो क्वेश्चंस है वो कम कर दिए हैं, 12 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, और हाँ इन्होंने अटैम्प्ट करने भी कम कर दिया है, तो आपके पास दोनों प्लस पॉइंट है, तो आप 8 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे, सही है। तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स के अंदर पार्ट वन वाले स्टूडेंट हुए, पार्ट टू न्यूमेरिकल्स पे काफी अच्छी ज्यादा फोकस रखिएगा, ठीक है। और फिर अच्छा आप बात करते हैं डिटेल क्वेश्चंस में, तो तीन आपके पास क्वेश्चन होंगे, दो आपने करने हैं, ठीक है। पहले भी ऐसे ही आता था पेपर, कोई मतलब कि नया नहीं है यहाँ पे, पहले भी ऐसे ही आता था, तो आपने तीन होते थे, आपने दो करने होते थे, सही है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और टोटल आपका 85 का है और 15 मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री पार्ट वन की अगर पेपर सेटिंग की बात की जाए और आपका मतलब पैटर्न को फॉलो करने की बात की जाए, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से है कि भाई आपके पास एमसीक्यूज होंगे, वही 33 एमसीक्यूज होंगे, उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आप मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल्स के ऊपर काफी फोकस करिएगा, और चैप्टर नंबर 8 पर काफी फोकस करिएगा, 7 और 6 इन पर काफी फोकस करना, और फिर डिटेल के अंदर जो है आपके पास तीन क्वेश्चन होंगे, आपने दो करने हैं, इसके अंदर गिवन 13 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट में आपने 8 करने, ठीक है। बाकी वही 85 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, टोटल मार्क्स 100 होते हैं। अब बात कर लेते हैं जूलॉजी पार्ट टू के लिए, ठीक है, सेकंड ईयर वालों की जूलॉजी है, चीजें वही है, 18 एमसीक्यूज होंगे, 18 आपको करने होंगे, रीजनिंग में वही सब कुछ है, कोई नई चेंजिंग नहीं है, आपने 5 क्वेश्चन करने हैं रीजनिंग के अंदर, सही है, एंड 4 क्वेश्चन करने हैं आपने नॉन रीजनिंग के अंदर, सही है। 8 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इसके अंदर रीजनिंग में, और 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे नॉन रीजनिंग में, सही है। तो सही है, इतना ज्यादा मतलब कि हार्ड नहीं है, सही है। जूलॉजी का सेकंड ईयर का पेपर 8 आपको दिए जाएंगे रीजनिंग के अंदर, 5 करने हैं, और आपको यहाँ पे 6 दिए जाएंगे, आपने 4 करने नॉन रीजनिंग। उसके बाद अगर डिस्क्रिप्टिव की बात की जाए तो वही सारी चीजें हैं कि भाई एक जो बेसिकली मैंने आपको पहले भी फर्स्ट ईयर वालों की जो जूलॉजी उसमें बता दिया था, वैसे ही पूरा पैटर्न है कि भाई पार्ट ए जो बेसिकली होगा वो 5 मार्क्स का होगा, और पार्ट बी जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। इसी तरीके से आपके पास दो पार्ट आ जाएंगे, 1A 1B 2A 2B करके, या 3A 3B भी आ जाएगा, कोई आपने एक पार्ट करना होगा, एक पार्ट के दोनों करने पड़ेंगे, पार्ट ए भी पार्ट बी भी। टोटल 9 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव है, ये आपका पूरा पेपर सेकंड ईयर जूलॉजी का है। अब कंप्यूटर के ऊपर बात कर लेते हैं, कंप्यूटर पार्ट वन और कंप्यूटर की पार्ट टू के रिलेटेड, कि भाई यहाँ पे आपको 29 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जो कि 29 आपने करने हैं। उसके बाद आपके पास क्या होगा, जो आपका बेसिकली सिलेबस है उसी में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, ठीक है। 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, 3 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन आपका होगा, जिसके अंदर से आपने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है।
सही है, तो आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं, 15 क्वेश्चन होंगे, 10 आपने अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपके पास डिटेल जो होगा वो आपके पास इस तरीके से होगा कि भाई आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन होंगे आपके पास, आपने 2 क्वेश्चन को करना है, सही है। इसके अंदर कोई पार्ट क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि कभी भी कंप्यूटर के अंदर पार्ट क्वेश्चनिंग नहीं आता है, आपके पास सिंपली जैसे 1, 2, 3 इस तरीके से होगा। एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन पेपर में होंगे, 2 आपने अटेम्प्ट करने कंप्यूटर में। अभी आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि भाई वो स्टैट्स को बेसिकली चूज करते हैं मैथ्स की जगह पर, वो मैथ्स नहीं लेते स्टैट्स लेते हैं, ठीक है, कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, कि वो बेसिकली कुछ स्टूडेंट होते हैं वो मैथ लेते हैं क्योंकि मैथ एक कंपल्सरी वो हो जाता है कि ऑप्शन सब्जेक्ट होता है, सही है, वो मैथ्स लेके पढ़ रहे होते हैं, मगर बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि वो कंप्यूटर साइंस वाले वो स्टैट्स लेके पढ़ रहे होते हैं। तो स्टैट्स का बेसिकली पेपर जो पैटर्न है वो इस तरीके का है कि आपका 33 मार्क्स का जो होगा वो स्टैट्स आएगा, 1 मार्क बेसिकली हर एमसीक्यूज का होगा जैसे होता है। अभी भी मैं रिपीट करे जा रहा हूँ कि एमसीक्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस करना, अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि ये आपको पास करेगा आपके एग्जाम में। यही पूरा, क्योंकि जब आपके पेपर में जैसे आपका 17 या 16 में पेपर हुआ करता था उसमें इतने ज्यादा एमसीक्यूज नहीं होते थे, क्वालिटी ऑफ सेक्शन बी और सेक्शन सी हुआ करता, सेक्शन बी ज्यादा मार्क्स के हुआ करते थे, मगर आप देखो कि एमसीक्यूज ज्यादा मार्क्स के हैं, तो ये आपके पास एक पॉजिटिव और सॉलिड पॉइंट है। इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो भाई तुम्हारा पेपर अगर निकालने के मूड में हो तो पेपर ईजिली निकल जाएगा। अगर भाई इसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो भाई लाइफ तुम्हारी जिंगा लाला वाली हो जाएगी कि भाई तुम्हें इसको भी देखना पड़ेगा, सेक्शन बी को भी अच्छे देखना पड़ेगा, सेक्शन सी को भी क्लियर करने के लिए। बट मैं ये बता दूं कि एग्जाम्स को क्लियर करना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का 2022 के पेपर पैटर्न के हिसाब से बहुत आसान, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं, 13 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, 8 क्वेश्चन आपने करना है जैसे होता था, और 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, सही है, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आपके पास ई क्वेश्चन जो है वो मतलब पार्ट वाइज आपके पास आएगा 1A 1B करके, आपने बेसिकली जो है 1A 1B एक पार्ट, मतलब कि 1A जो है वो 5 मार्क्स का होगा, 1B जो होगा वो 5 मार्क्स होगा, 10 मार्क्स का होगा, एक आपने जो है बेसिकली अटेम्प्ट करना है पूरा। एक में 2 क्वेश्चन होते हैं तो वही इन्होंने 2 क्वेश्चन लिखे, सही है। अब आपके पास जो है बेसिकली मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, उर्दू का जो बेसिकली अभी नई बुक आ चुकी है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, ठीक है, तो वो अभी वो फॉलो करेंगे, उसके मॉडल पेपर्स भी रिलीज हो चुका है, मैं अपने पेज कराची एजुकेशन न्यूज़ पे मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। बट सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले उर्दू के लिए क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, सही है, आपके पास यहाँ पे जो है वही एमसीक्यूज होंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे, उसके बाद आपके मुख्तसर सवाल आते हैं। जी पैटर्न तो वैसे ही होगा, मुझे लगता है कोई चेंजिंग में बस बुक चेंज किया होगा, थोड़ा सा पैटर्न वैसे ही होगा इनका कि भाई आपके पास ये 5 अशार दे दिए गए हैं, 2 आपने करने हैं, यहाँ पे आपके पास एतबास है वही जो जिस तरह उर्दू सेकंड ईयर का था वैसे फर्स्ट ईयर का होगा, पैटर्न वैसे ही होगा जिस बुक चेंज करी गई है फर्स्ट ईयर वालों की, ठीक है। आपने एक तशरीह करनी है, ठीक है, एतबास बेसिकली आपको दिया हुआ होगा, 3 एतबास दिए होंगे, आपने एक करना है। हाँ, सेकंड ईयर के जो है चॉइसेस उर्दू में थोड़े कम है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में ज्यादा है, आपको 3 दिए जा रहे हैं एतबास, आपने एक करना है। यहाँ पे बेसिकली आपको तशरीह दी जा रही है, एक बन की आपने तशरीह करनी या फिर आपने मरकजी ख्याल करना है। उसके बाद आपके पास खुलासा आ जाएगा, आपने खुलासा अटैम्प्ट करना है, ठीक है। आपके पास 2 खुलासे आ जाएंगे या 3 खुलासा आ जाएगा, आपने कोई एक करना है, या फिर आपने क्या है आपके पास सवाल जवाब आ जाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे जो है वो खुलासा अटैम्प्ट करते हैं और मरकज़ी ख्याल अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। सवाल जवाब आ जाएंगे, आप सवाल जवाब अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास 2 जो है वो 2 शायर के और 2 नसर निगारों के आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर जो है आपके पास जो है, मैं फिर से बता देता हूँ कि भाई मजमून नहीं आएगा, आपको 2 मतलब के दे दिए जाएंगे शायर के नाम, आपने उसको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। एक आप अटैम्प करोगे, 2 आपको नसर निगार दे दिए जाएंगे, हाँ, आपको एक मतलब कि नसर निगार अटैम्प करना है, बस। ये पूरा आपका उर्दू का पैटर्न है। उर्दू की तैयारी करने के लिए जो है सिंपली मैं ये कहूँगा कि भाई ज़्यादा टाइम मत लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा भाई अगर तैयारी स्टार्ट नहीं करी है अपनी कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तो भाई तैयारी स्टार्ट कर दो। 10 दिन या 15 दिन में उर्दू की तैयारी आराम से हो जाती है, उर्दू, इस्लामिया, पाक स्टडी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, 10 दिन 15 दिन में ईजिली अच्छे से तैयारी हो जाती है, ज़्यादा टाइम मत लगाना। अब पाकिस्तान स्टडीज़ पे आ जाते हैं, 50 नंबर का पेपर होता है, सही है, पाकिस्तान स्टडीज या इस्लामियत का, दोनों का, फर्स्ट ईयर वाले इस्लामियत पढ़ते हैं, सेकंड ईयर वाले पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हैं। तो 20 मार्क्स का बेसिकली जो आपके एमसीक्यूज आएंगे और काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ मार्क्स हैं एमसीक्यूज के, 20 मार्क्स के, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स का देखा है जो पीएससी में भी फेल होते हैं। तो मेक श्योर कि भाई आप एमसीक्यूज को अच्छी तैयारी करो, ज़्यादा मतलब कि कुछ उस पर नहीं जाना, अपने टेनर को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तुम्हारा ये सेक्शन ए पार्ट निकल जाएगा, ठीक है, और कुछ पास पेपर्स देख लेना, हो जाएगा तुम्हारा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं हम, तो बेसिकली आपको जो है यहाँ पर टोटल क्या दिया जाएगा, आपके पास 10 क्वेश्चंस गिवन होंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपने गिवन होंगे, आपको बेसिकली जो है यहाँ पे 5 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, थीके? आपको बेसिकली जो है 5 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स का आपके पास है, ठीक है, तो इस चीज़ का देख लेना, 20 मार्क्स का टोटल ये बनेगा। आपको जो है यहाँ पे 3 आपको जो है डिटेल क्वेश्चन आंसर्स, 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे डिटेल में, एक आपने करना होगा जो कि 10 मार्क्स का होगा, कोई पार्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, एक करना है बस। इसके बाद इस्लामियत का पैटर्न है फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो कि लास्ट है, इसमें सबसे पहले आपके पास जो होता है कि भाई उर्दू इस्लामियत सारे पैटर्न वैसे ही है, उर्दू इस्लामियत, सही है, उर्दू इस्लामियत, तो मेक श्योर करिएगा कि इसको देख लें। अच्छा, 40% मतलब कि भाई आपका ये 20 मार्क्स का होगा, सही है,
और उसके बाद आपको भाई कुरानी आया तो हदीस दी हुई होंगी छः, आपने चार करनी होंगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आठ सवाल जवाब होंगे, इसमें से आपने बेसिकली चार करने होंगे। यहाँ पे सेक्शन उसमें आपके पास तीन जो है क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपने एक करना है। जिस तरीके से पीएसटी में था तीन क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे, एक करना है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है, तीन क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे पेपर में, एक आपने। और ये पेपर पैटर्न जो है ये कंफर्म्ड है, सही है, पेपर्स आपके इसी पैटर्न के थ्रू आएंगे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप अपनी तैयारी को ऐसे ही रखें। चेंजिंग पैटर्न में कुछ भी नहीं है कंपलसरी सब्जेक्ट्स में, हाँ पार्ट्स का फर्क होगा, मगर प्रिपरेशन जो आप करोगे वो सेम ही करोगे जैसे आप शुरू से करते हुए आ रहे हो, सही है। कोई मतलब के सिलेबस जो बेसिकली पहले रिड्यूस्ड हुआ था, कुछ टॉपिक रिड्यूस्ड हुए थे पिछले साल के, भाई आपने ये टॉपिक नहीं कवर करना, ये नहीं करना, इस बार आप अपने टॉपिक जो है वो अपने सारे कवर करोगे, ठीक है। टॉपिक जो आप कवर करोगे वो सारे कवर करोगे, ठीक है। बस पेपर पैटर्न में थोड़ी सी चेंजिंग करी हुई है इन्होंने, थोड़े क्वेश्चंस कम कर दिए, थोड़े ज्यादा कर दिए, और एमसीक्यूज की क्वांटिटी इन्होंने जो है आपको बढ़ा दी है कि बच्चा मतलब के फेल ना हो और क्लियर कर ले। तो एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस करना, मगर पेपर में कोई भी आपका रिड्यूस नहीं है, तैयारी आपने पूरी ही करनी है जैसे आप करते हुए आ रहे हो। तो ये बेसिकली जो था ये आपका कंप्यूटर साइंस प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वालों के लिए पेपर पैटर्न था, सही है, जो कि मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये पेपर पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज से रिलेटेड नॉलेज नहीं होती, क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो कोचिंग नहीं जा रहा होता, हर स्टूडेंट जो है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहा होता, ठीक है। कुछ स्टूडेंट प्राइवेट भी पढ़ रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट जो है कोचिंग नहीं पढ़ते, तो ये वीडियोज बनाने का मकसद इसीलिए कि उनको इस चीज से हेल्प हो, सही है। तो ये वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिलती है। इंशाल्लाह फिर नई वीडियोस के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।